मेजर शैतान सिंह के पास अब चाइनीज से लड़ने के लिए 50 से कम सैनिक और बहुत लिमिटेड एम्यूनिशन मौजूद था। दूसरी ओर चाइनीज सेना बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी। वो अपने सैनिकों द्वारा आसानी से इंडियन पोजीशंस पर एंडलेसली बमबारी कर सकती थी। लेकिन जब ऐसा लगने लगा इंडिया लड़ाई हार जाएगी, तभी एक चमत्कार था। चाइनीज उत्तर दिशा से निश्चिंत हो चुके थे और अब चाइनीज सोल्जर्स का फोकस वेस्ट साइड की ओर मौजूद इंडियन सोल्जर्स पे था। तभी नॉर्थ से अचानक चाइनीज फौजियों पे LMG और राइफल फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले की उम्मीद चाइना को बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये फायरिंग कुछ 100 यार्ड्स की दूरी से हुई थी। चाइनीज इतने पैनिक हो गए कि वो कवर लेने के लिए अपने ट्रेंचेस में कूद गए। इतना ही नहीं, इस गोलीबारी ने कई चाइनीज सैनिकों को मार गिराया था।